वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे T20 में कुछ ऐसी होगी भारत की प्लेइंग 11। हार्दिक पांड्या लेंगे हार का बदला। भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जाने वाले दूसरे T20 मुकाबले में हार्दिक पांड्या कुछ इस तरह की प्लेइंग 11 के साथ उतर सकते हैं। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 T20 मैचों की सीरीज का दूसरा T20 मुकाबला कल यानी रविवार को 6 अगस्त को खेला जाएगा। यह मुकाबला गुआना के प्रोवोडिक्स स्टेडियम में खेला जाना है। भारत टीम को हार्दिक पांड्या की अगुवाई में वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले T20 मुकाबले में 4 रनों से हार का सामना करना पड़ा था, जिसका बदला लेने के लिए हार्दिक पांड्या दूसरे T20 मुकाबले में कुछ इस तरह की प्लेइंग 11 के साथ उतर सकते हैं। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 मुकाबला कल 6 अगस्त रात 8 बजे से खेला जाएगा, जिसमें हार्दिक पांड्या अपनी हार का बदला लेंगे। दरअसल भारत टीम को पहले T20 मुकाबले में कमज़ोर बल्लेबाजी की वजह से हार का सामना करना पड़ा था। भारत की ओर से मात्र 2 बल्लेबाज 20 का आंकड़ा पार कर सके थे। भारत की ओर से सबसे ज़्यादा रन तिलक वर्मा ने 39 और सूर्य कुमार यादव ने 21 रन बनाए थे। ऐसे में टीम इंडिया थोड़ी सी और बेहतर बल्लेबाजी से जीत दर्ज कर सकती है। वैसे भी टीम इंडिया अपने बेहतरीन कमबैक के लिए जानी जाती है। जिस तरह भारत ने वेस्टइंडीज से दूसरे वनडे में मिली हार का बदला तीसरे वनडे में पूरे 200 रन के अंतर से हराकर लिया था। खबरों के मुताबिक दोनों टीमें अपनी प्लेइंग 11 में कोई भी बदलाव करना नहीं चाहेंगी। भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जाने वाले दूसरे T20 मुकाबले में दोनों ही टीमें शायद ही प्लेइंग 11 में कोई बदलाव करना चाहेंगी, क्योंकि वेस्टइंडीज ने पहले T20 में जीत दर्ज की थी, जिस वजह से वे बिना कोई बदलाव करे दूसरे T20 में भी उतरना चाहेगी। वहीं भारतीय टीम एक बार फिर युवा खिलाड़ियों के ऊपर विश्वास दिखाते हुए दूसरे T20 में सभी को मौका देगी। भारत की संभावित प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार होने वाली है। शुभम गिल, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, संजू सैमसन, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, अक्षदीप सिंह, युजवेंद्र चहल और मुकेश कुमार। दोस्तों, आपके हिसाब से इस टीम में किस खिलाड़ी को और जगह मिलनी चाहिए, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।